अस्सलाम वालेकुम, आई एम रमजान इश्ताक एंड टुडेज़ वीडियो इज़ रिलेटेड टू सब्जेक्ट सिलेक्शन। बहुत सारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो कांटेक्ट करते हैं और वो पूछते हैं कि दे आर वेरी मच कन्फ्यूज अबाउट देयर ऑप्शनल, तो ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले तो उनके लिए एक एडवाइस है कि आप किसी भी सीनियर से अगर कांटेक्ट करते हैं तो उनसे कभी ये ना पूछें कि व्हाट ऑप्शनल सब्जेक्ट दे हैड, क्योंकि दिस क्रिएट्स एन इम्पैक्ट ऑन योर माइंड कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और ये अगर हम ऑप्ट कर लें तो हम तुम्हारी सिलेक्शन हो सकती है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रोसेस के थ्रू आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट फाइनलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको CSS का जो सिलेबस है उसको गो थ्रू करना होगा। हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक को आपने एक बार देखना ज़रूर है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यू विल बी नोइंग कि एक सब्जेक्ट जो है वो किस लेवल तक का मुश्किल है, उसमें किस किस तरह की चीज़ें उसमें इंक्लूडेड हैं। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंटरेस्टिंग है और अगर मैं इसको पढ़ूं तो मैं इसको कवर कर लूँगा या नहीं। तो सबसे पहला टिप ये है कि आप पहले आप जो है सिलेबस उसको ख़ुद गो थ्रू करें, उसके बाद आप अपनी जो है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड आप उसको देखें। अगर उससे कोई रेलेवेंट सब्जेक्ट आपको मिलता है और आपको लगता है कि उसका कोर्स आप कवर कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद अगला जो एक फेज़ है इसमें सिलेक्शन के लिए, सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए, वो ये है कि आप देखें कि स्कोरिंग ट्रेंड क्या है। आप सबसे पहली चीज़ आपके होनी चाहिए इंटरेस्ट आपका उसमें होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपके लिए यू इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए वो स्कोरिंग ट्रेंड है। अगर किसी सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड है और आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है तब भी फ़ायदा नहीं है, और अगर किसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है और वो स्कोरिंग नहीं है तो फिर भी आपको एज सच उससे बेनिफिट नहीं होगा। बट आई विल सजेस्ट कि आप ज़्यादा उस सब्जेक्ट को प्रेफरेंस दें जिसमें आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि आप स्कोरिंग ट्रेंड के पीछे अगर भागते रहेंगे तो हो सकता है बाकी लोग तो उसमें नंबर ले जाएं लेकिन आप उसमें नंबर ना हासिल कर सकें। तो ये मेरी एडवाइस थी, ये बड़ी शॉर्ट सी वीडियो थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो मेरे से पूछ रहे थे कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करें। थैंक यू सो मच।